हाय देयर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, 2024 में आप लोग ड्रीम इलेवन का लोकेशन प्रॉब्लम कैसे ठीक कर सकते हैं? फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों को, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दो, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रीम इलेवन को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप लोग को ड्रीम इलेवन ऐप नहीं मिल रहा है ओरिजिनल वाला, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें ड्रीम इलेवन का लिंक आपको मिल जाएगा, या अदर्स अर्निंग रिलेटेड ऐप या प्लेटफॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आप लोग अर्निंग कर सकते हैं इस तरह का ऐप, उसमें जाके आपको मिलेगा, तो आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग ड्रीम इलेवन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे आपका डिवाइस में, उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ड्रीम इलेवन को ओपन करना है। तो मैं आप लोग को पहले ड्रीम इलेवन को ओपन करके आप लोग को दिखा देता हूँ किस तरह का लोकेशन प्रॉब्लम आता है। तो जैसे मैं ड्रीम इलेवन को ओपन किया फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ से कुछ भी एक गेम में फंटास्टिक क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या बास्केट, जो भी आप लगाना चाहते हैं क्रिकेट जो भी, तो उसमें जैसे आप लोग टीम वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, करने के बाद फ्रेंड्स जैसे आप लोग उसमें कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि आपका लोकेशन प्रॉब्लम आ जाता है, कि बताता है कि आपका स्टेट में ये रिस्टेक है ना, तो इस तरह का एक प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसको आप लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो मैं इस वीडियो में 100% आप लोग को सोल्यूशन बताऊंगा, जस्ट आप लोग वीडियो को कम्प्लीटली देखो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोग को दिखा देता हूँ प्रॉब्लम किस तरह का आता है, जैसे मैं वॉलेट के ऊपर क्लिक करके आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ। देख सकते हो फ्रेंड्स, वॉलेट के ऊपर जैसे क्लिक किया तो इसमें कुछ इस तरह का एक इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया। तो इस नोटिस में कुछ लिखा है कि ओ यू आर फ्रॉम रिस्टेक स्टेट, मतलब मेरा जो स्टेट है ना वो रिस्टेक है। तो मैं असम से बिलोंग करता हूँ, आई लव माई असम। तो आप लोग कहाँ से हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरह का आपको शो करता है, और आप लोग पैसे भी ऐड नहीं कर सकते और कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन नहीं कर पाते। तो चलो कोई इशू नहीं, आप लोग मेरा वीडियो को देख के आराम से इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। सिंपली आपको यार इधर क्या करना है, प्ले फ्री क्यू कॉन्टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से बैक करना है आपको। बैक करने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है। मैं आप लोग को पूरा ए टू जेड बताऊँगा अभी इस वीडियो में। सिंपली एक ऐप डाउनलोड कर लेना है आपको, यहाँ पे जाके आपको लिखना है GPS इमुलेटर, है ना। GPS इमुलेटर जैसे सर्च करेंगे फ्रेंड्स, इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है आपका डिवाइस में। अगर आपका आईफोन या अदर्स फ़ोन है तो उसके रिलेटेड एक वीडियो बना दिया, डेडिकेट वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा। हाउ टू एनेबल डेवलपर ऑप्शन या हाउ टू चेंज लोकेशन, इस तरह का करके एक वीडियो है, उसका लिंक आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली इसको आपको इंस्टॉलेशन कर लेना है आपका डिवाइस में। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैं इंस्टॉलेशन लगा दिया, तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो गया। तो चलो इसको कंप्लीट होने तक वीडियो को पोज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग, ये जो इंस्टॉलेशन है चालू हो गया, और जैसे इंस्टॉलेशन हो जाएगा सक्सेसफुली, उसके बाद मैं आप लोग को आगे का प्रोसेस बताओ। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो गया, सिंपली ओके करना है। ओके करने के बाद इसको आपको ऐसे क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद आपको ड्रीम इलेवन को भी इसे क्लोज करना है, और आपको जाना है आपका मोबाइल की सेटिंग्स में। मोबाइल की सेटिंग्स में आने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरह का शो करेगा आपका जो भी सेटिंग्स है। सिंपली आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अगर आपका मोबाइल, देखिए इसमें क्या होता है कि हर अलग अलग मोबाइल में अलग अलग सेटिंग्स के नाम से होता है, तो उसके लिए कोई चिंता करने का बात नहीं है कि आप लोग डेवलपर ऑप्शन को एनेबल करेंगे कैसे, है ना। तो सबसे पहले आपको सर्च ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको लिखना है डेवलपर ऑप्शन। जैसे आप सर्च करेंगे तो अगर आपके सामने रिजल्ट नहीं आते तो क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए रिजल्ट नहीं है, मतलब मेरे मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन एनेबल नहीं है, तो आपको एनेबल करना पड़ेगा। अगर नहीं कर शो कर रहे तो एनेबल करना पड़ेगा, अगर शो कर रहा है तो अच्छा बात है कि आपका डेवलपर ऑप्शन एनेबल है। तो हर अलग अलग मोबाइल में आप लोग कैसे करेंगे डेवलपर ऑप्शन एनेबल, उसके रिलेटेड मैं वीडियो बना दिया, जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूंगा, उसमें आप लोग चेकआउट करके वीडियो को देख सकते हैं कि हाउ टू एनेबल डेवलपर ऑप्शन या हाउ टू चेंज लोकेशन, है ना, इस तरह का एक वीडियो होगा। उस वीडियो को देख के आप एनी मोबाइल में लोकेशन चेंज कर सकते हैं और डेवलपर ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस मोबाइल में ही करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है सिस्टम पर, है ना, सिस्टम सेटिंग्स पर, या आपका आपका मोबाइल में इस तरह का होगा मूड सेटिंग्स करके या एडिशनल सेटिंग्स।
तो आप लोग ढूंढ लेना। उसके बाद सिस्टम सेटिंग्स के अंदर जाके आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। देखिए इधर डेवलपर ऑप्शन के नाम से कोई नहीं है, है ना। तो सबसे पहले मैं डेवलपर ऑप्शन को एनेबल करना होगा। एनेबल करने के लिए सबसे पहले हर मोबाइल में आपको अबाउट फोन ऑप्शन मिलता है। अबाउट फोन के ऊपर आपको जाना है। अबाउट फोन के ऊपर आने के बाद आपका इधर पूरा रैम वगैरह, डिवाइस के स्टोरेज वगैरह सब कुछ दिखाएगा। सबसे पहले इधर एक आपको ऑप्शन मिलेगा वर्जन करके, है ना। तो कुछ मोबाइल में क्या होता है कि MIUI करके होगा, MIUI वर्जन करके होगा, उसके ऊपर जाके आपको एनेबल करना होगा। तो उसके लिए तो वीडियो बना दिया, आप लोग वीडियो को चेकआउट कर लो। और रियलमी मोबाइल में इस तरह का होगा, रियलमी मोबाइल में वर्जन लिखा रहेगा ओनली। सिंपली वर्जन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का आएगा बिल्ड नंबर। सिंपली बिल्ड नंबर के ऊपर लगातार 7-8 बार क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देंगे इस तरह का पासवर्ड वगैरह आएगा, तो पासवर्ड वगैरह दे देना है आपको। देने के बाद यू आर नाउ ए डेवलपर करके मिल गया, मतलब डेवलपर ऑप्शन मुझे मिल गया। सिंपल आपको यहाँ से बैक करना है और आपको जाना है सिस्टम सेटिंग्स पर, सिस्टम पर। अगेन सिस्टम पर आने के बाद देखिए इधर डेवलपर ऑप्शन एनेबल हो गया। ये डेवलपर ऑप्शन के ऊपर जाना है और इस तरह का आपके सामने शो होगा। तो अभी आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और इधर एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट मोक लोकेशन ऐप। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो सिलेक्ट मोक लोकेशन ऐप है ना, इसके ऊपर जाना है आपको। इसके ऊपर जाने के बाद आपको इधर जो भी आपने ऐप डाउनलोड किया था लोकेशन चेंज करने वाला ऐप, उसको ऐसे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ से बैक करने है आपको। बैक करने के बाद फ्रेंड्स आपको उस ऐप को ओपन कर लेना है जो अभी अभी आपने डाउनलोड किया था प्ले स्टोर से, GPS इमुलेटर करके। उसको आपको ऐसे ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे फ्रेंड्स तो आपके सामने इस तरह का आएगा। सिंपली आई एग्री कर देना है। आई एग्री करने के बाद फ्रेंड्स आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है सर्च करने का। सिंपली सर्च ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है डेली स्टेट सिलेक्ट करना है और सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे तो आपका डेली लोकेशन में लेके जाएगा। देख सकते हैं डेली इंडिया। सिंपली डेली इंडिया को सिलेक्ट किया मैंने और डेली इंडिया को लोकेशन को सिलेक्ट किया। सिंपली सिलेक्ट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, इधर आपका लोकेशन का आइकन है। इस आइकन के ऊपर आपको इस तरह का क्लिक कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको इधर देखिए, जैसे आपको बताया था दो ऑप्शन चाहिए। सबसे पहला है अनलॉक डेवलपर सेटिंग्स, सेकंड है सिलेक्ट मोक लोकेशन ऐप, है ना। दोनों टेक मार्क है ग्रीन कलर का, दोनों मतलब सही हो गया। उसके बाद तीसरा है लोकेशन परमिशन, इस ऐप का लोकेशन परमिशन भी देना होगा। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना जो मांग रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको अलाउ कर देना है, आपको लोकेशन परमिशन दे देना है। देने के बाद सीधा जो नीचे है ना कंटिन्यू, इसके ऊपर क्लिक करना है और अगेन लोकेशन की आइकन के ऊपर क्लिक करना है और मे बी लेटर कर देना है, तो आपका लोकेशन कनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऊपर से लोकेशन आपका जो है दिल्ली इंडिया लग चुका है। अभी स्टॉप करने का ऑप्शन आ गया। तो सिंपली आपको क्या करना है, लोकेशन प्रॉपरली कनेक्ट होने के बाद आपको यहाँ से मिनिमाइज़ करना है और आपका जो ड्रीम इलेवन है उसको एक बार ओपन कर लेना है। जैसे मैं ड्रीम इलेवन को अगेन ओपन किया, ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको ड्रीम इलेवन में कुछ सेटिंग्स करना होगा। सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो ड्रीम इलेवन का प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए माई इन्फो एंड सेटिंग्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो इस तरह का आपको पूरा डिटेल्स देखने को मिलेगा। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इस एड्रेस दिख रहा है, एड्रेस देना है और सिटी देना है। सिटी देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पिन कोड देना है। जैसे कि दिल्ली का आप लोकेशन कनेक्ट किया तो दिल्ली का कुछ भी एक पिन कोड आप यहाँ से गूगल से उठा के लगा देना। लगाने के बाद आपको यहाँ पे जो लोकेशन आपने सिलेक्ट किया उसी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे दिल्ली लगाया तो दिल्ली को ये दिल्ली का स्टेट यहाँ पे आपको लगा देना है। तो फिलहाल केरला है, केरला ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो गया क्योंकि मेरा बैंक डिटेल्स के साथ ये केरला अपडेट है। तो इस तरह का देख के आपको क्या करना है, सिंपली अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और ये अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। और उसके बाद बैक करना है। बैक करने के बाद आपको फ्रेंड्स क्या करना है, एक बार रिफ्रेश करना है पेज को। रिफ्रेश करने के बाद अगेन आप लोगों को वॉलेट के ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ कि अभी पैसा ऐड होता है कि नहीं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी पहले जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अभी आप चाहे तो यहाँ से 100-200 जितना चाहे आप डिपॉजिट कर सकते हैं या कॉन्टेस्ट वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करके आप आराम से डिपॉजिट वगैरह कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरह का आप लोग इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, साथ में एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दो क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय, जय हिंद।